नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो इस चैनल में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि केपी स्टार वन में पंचांग को कैसे देखना है। एक्चुअली जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तब आपको ट्रांजिट और पंचांग को देखना भी जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या ऑप्शन है, क्या क्या अवेलेबल है और कैसे आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे जितने मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूं, आप लोगों को बताऊंगा कि पंचांग केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखना है और केपी स्टार वन में कैसे देखना है। ठीक है, मेनली पंचांग क्या है, उसमें आपको ट्रांजिट्स प्लैनेट की देखने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कौन सा ग्रह किसके स्टार में है, किसके सब में है, वहां जाके वो चीजें आपको देखनी जरूरी है। जब आप एडवांस लेवल प्रेडिक्शन करेंगे तब आपको ये जानना जरूरी है कि आज चंद्रमा किसके स्टार में है, आज सूर्य किसके स्टार में है, आज गुरु किसके स्टार में है। देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इन तीनों प्लैनेट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है जो गुरु है, जो जुपिटर है वो साल का कारक है, जो सूर्य है वो महीने का कारक है और चंद्रमा जो है दिन का कारक है। तो इन तीन प्लैनेट्स को केपी एस्ट्रोलॉजी में काफी महत्व दिया गया है और आपको प्रिडिक्शन करते हुए इनका यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो जब आप एडवांस प्रिडिक्शन करेंगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लैनेट कौन कौन से राशियों में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये प्लैनेट कौन कौन से स्टार में है, किस किस सब में है। तो ये आपको मदद करेगा आगे जाके प्रिडिक्शन सही करने में। तो लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कैसे ये चीज देखना है, कैसे आप खुद इन चीजों को देख सकते हैं कि ये ग्रह कौन से स्टार में है, किसके राशि में है। तो ये पंचांग एंड एफेमेरीज की एक यूटिलिटी है जो कि स्टार वन के अंदर है, जिसे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको केपी स्टार वन आप ओपन कर ले, उसके बाद आप यूटिलिटीज का टैब देखेंगे यहाँ पे। उस यूटिलिटीज टैब को आप क्लिक करें और उसमें आप देखेंगे पंचांग एंड एफेमेरीज, इसको आप क्लिक कर दीजिए। फिर ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको आप क्लोज कर दीजिए क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा आपको बता दूंगा। इसमें सिंपल आपको क्या देखना है, आप देखें कि आज का दिन क्या है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये निकालना है आज का दिन क्या है। तो आप देखें आज 26 तारीख है। ठीक है, अब 26 तारीख को अगर आपको देखना है कि सूर्य देवता सूर्य नारायण आज कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और कौन से प्लैनेट के सब में है, तो ये देख लेते हैं। तो हमें 26 तारीख की तरफ जाना है और सूर्य के नीचे ये पॉइंटर ले जाना है। ठीक है, 26 तारीख सूर्य के नीचे आप देखिए संडे है और इसको मैं अगर क्लिक करूंगा, इस पे आप डबल क्लिक कर दें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सूर्य के बारे में लिखा होगा। तो आज देखें आज सूर्य 26 तारीख सुबह 5:30 बजे सूर्य केतु के नक्षत्र में है। ठीक है, और साइन लॉर्ड सूर्य अपने ही राशि में चल रहे हैं। ठीक है, और सब लॉर्ड जो है जुपिटर। तो अभी अभी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी समय क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 8:52 PM दिल्ली में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर रखा है। अब देखें 8:52 की बात हो रही है, तो अभी सूर्य नारायण कहाँ है आप देखें, तो अभी देखिए शाम के यहाँ पे दिखा रहा है 8:38 तक सूर्य जो है वीनस के स्टार पे है, वीनस के स्टार में है और शनि के सब लॉर्ड में। ठीक है, तो ऐसे आपको ये निकालना है कि सूर्य अभी कहाँ गोचर कर रहे हैं, किसके स्टार में, किसके सब में, कौन से साइन में। ठीक है, अब एक एग्जांपल के साथ मैं देखता हूँ कि चंद्रमा मेरे को देखना है, तो चंद्रमा आज की डेट में कौन से नक्षत्र में है। तो आप यहाँ पे 26 तारीख में यहाँ पे चंद्रमा पे डबल क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ऊपर मून लिखा है, मून अभी जो है शनि की राशि में चल रहे हैं। ठीक है, शनि की राशि में चल रहे हैं और आप देखें यहाँ पे शनि में अगर आप देखेंगे अभी जो समय हो रहा है हमारा 5:26 ये आपका आता है 26 तारीख। ठीक है, 26 तारीख में 4:25 के बाद अगर आप देखें शनि की राशि राहु के ही नक्षत्र और जुपिटर के सब में, उसके बाद 7:57 जो ये शाम के हो जाते हैं, उसके बाद ये जो पीरियड है इस पीरियड में अभी हम हैं करेंटली। ठीक है, तो अभी जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में है
राहु के स्टार में है और शनि के ही सब में है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं कि चंद्रमा अभी कहाँ, कौन से स्टार में गोचर कर रहा है, कौन से सब लॉर्ड में गोचर कर रहा है। तो ये ट्रांजिट जानना बहुत जरूरी है जब आप फ्यूचर में प्रिडिक्शंस करेंगे ट्रांजिट को देख के, क्योंकि प्रिडिक्शन ट्रांजिट को देख के ही किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत और बता देता हूँ इसके बारे में। आप देखें, अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए देखना है, ठीक है, कि आज अभी अगस्त है तो सितंबर में आपको देखना है कि सितंबर में 26 तारीख को, आज का दिन ले लेते हैं, सितंबर में 26 तारीख को चंद्रमा किसके नक्षत्र में, कौन सी राशि में होंगे। तो आप चंद्रमा कॉलम में यहाँ आ जाएं 26 तारीख के ठीक आगे, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो यहाँ आपको दिखेगा 26 तारीख को, 26 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पे 26 तारीख को चंद्रमा जो है गुरु की राशि में है, ठीक है, बुध के नक्षत्र में है, और यहाँ पे टाइम के हिसाब से ये बदल जाते हैं। तो अभी देखें 26 तारीख को अगर मैं देखूं, 6:32 से गुरु, अगर शाम की बात करें तो गुरु के राशि में चंद्रमा रहेंगे और स्टार जो होगा बुध होगा और गुरु के ही सब में रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ यूटिलिटीज बजाना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो डेट का आपको पता चल गया, समय स्पेसिफिकली आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि आप इसको ना छेड़े तो बेहतर है। और इसमें आप जगह को चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरी जगह है तो वहाँ आप टाइप करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सारे जगह की लिस्ट आ जाती है, जो भी जगह आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो जगह कर सकते हैं। अब मोर सिटीज में जाएंगे तो यहाँ टाइप कीजिए और वहाँ पे वो सर्च करके आपको बता देगा। तो इसमें प्रॉपर सारे पोजिशंस हैं जिसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं कि मैं दिल्ली कर देता हूँ, इसको निकाल सकते हैं कि ये जो पंचांग के डिटेल्स हैं, ट्रांजिट के डिटेल्स हैं, ये आप बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। अगर जैसे इसी के रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को जरूर पूछें, मैं उस पर जरूर आप लोगों को जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें, मेरे को बताएं, अगर बुरा लगा तो भी मुझे बताएं ताकि मैं आगे वीडियोज में कुछ और उनको सही करके आप लोगों को बताऊं। लेकिन आशा करता हूं जो मैंने बताया ये आप यूज जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि कैसे देखना है। तो सूर्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य जो है जब आप होरादी करते हैं या किसी भी तरह के प्रिडिक्शन करते हैं, सूर्य महीने का कारक है, चंद्रमा दिन के कारक है, और गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो साल के कारक है। तो कोई भी प्रिडिक्शन के लिए आपको ट्रांजिट को जानना बहुत जरूरी है। तो पंचांग, या तो आप जाके पंचांग में देखें कि आज के डेट में, आज के समय में कौन सा क्या हो रहा है, या तो आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, या तो किसी वेबसाइट में आप रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसी केपी स्टार वन के अंदर इस पंचांग एंड एफएमरीज की यूटिलिटी में जाइए और वहां जाके आप डिटेल निकाल सकते हैं। और इसमें एक और चीज मैंने ये देखा, ये आप कुछ भी होगा तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं इस चीज का। तो यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंट करके भी दे देंगे पूरा की जो आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि पंचांग में प्रिंट करेंगे तो ये सीधा प्रिंट कर देता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है क्योंकि मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत हर जगह सॉफ्टवेयर तो आ गया है, लेकिन थोड़ा बहुत हार्ड कॉपी में भी चीजें हो तो हम अगर हाथ से, अपने हाथ से चीजें कैलकुलेट करें वो भी काफी सही रहता है। तो आप प्रिंट ले लें, उसमें चीजें आप सही तरह देख लें, फिर प्रॉपरली आप किसी भी जातक को चेक करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर कीजिए दूसरे तक ताकि लोगों को भी पता चले कि वो कैसे ये पंचांग और ट्रांजिट को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।